रविवार को पोंगबान समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन राजा का तालाब में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान हंसराज चौधरी ने की। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार पर लगातार पोंगबांध विस्थापितों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया और इस दौरान सरकार के खिलाफ एक रोष रैली भी निकाली गई। प्रदेश पौंग बांध समिति की बैठक में प्रधान हंसराज चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 1996 के उनके हक में लिए गए फैसले के बाद भी राजस्थान सरकार 1188 राज रकबों को अपने नियंत्रण में लेकर पौंग बांध विस्थापितों को आवंटित नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई न होना इस बात को दर्शाता है कि किसी भी सरकार को विस्थापितों के मामले में कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को नहीं मानती है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामलाल वर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट के उनके हक में किए गए निर्णय को नहीं मान रही। सभी विस्थापितों को अब करो या मरो की नीति पर चलना होगा और ऐसे में सभी आंदोलन के लिए तैयार रहें। प्रदेश पौंग बांध समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार उनके हितों के बारे में अगर फैसला लेने की स्थिति में नहीं होगी तो चक्का जाम तक किया जाएगा और राजस्थान सरकार का पानी भी बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले महीने कुछ लोगों को मात्र दिखावे के लिए यहां मुरब्बे आवंटित किए गए, जहां सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। वहीं प्रदेश पौंग बांध समिति के प्रदेश सचिव HC गुलेरी ने कहा कि सभी सरकारों के रवैये विस्थापितों के प्रति अच्छे नहीं है। हिमाचल सरकार और राजस्थान को सचेत किया गया है कि ये 50 सालों से पौंग बांध विस्थापितों का जो शोषण किया हो रहा है उसको बंद करे, अन्यथा अगली कार्रवाई। अब सरकार चाहती है कि शांति से ये मसला हल ना हो, तो अब हम अशांति फैलाने के लिए भी तैयार हैं। सरकार चाहती है कि बिना नुकसान के, बिना धरने के, बिना सड़कों को रोके ये मसला हल नहीं होगा, तो हम अगली कार्रवाई जल्द ही सड़कों को रोकेंगे और जो नुकसान होगा उसकी वो सरकार जिम्मेवार होगी। डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में इन 5 जिलों में कोई जगह नहीं है, तो उनको ये बताना होगा कि आज तक उन्होंने 16,300 बूझा मुरब्बे जो थे आरक्षित, उनमें से कितने अलॉट किए और कितने बाकी हैं, ये उनको बताना होगा। 1188 मुरब्बे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने राज रकबे किए थे, उनको जो है पौंगडा मोस्तियों का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि इनको जो है जो रह गए हैं रिमेनिंग जो पौंगडा मोस्तियाँ उनको जो है अलॉट किए जाएँ। 1500 मुरब्बा जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी तानाशाही से लालगढ़ियों को पौंगडा मोस्तियों के रिजर्व मुरब्बे जो है वो आवंटित कर दिए आउट ऑफ दी वे, उनको खाली करवाया जाए और पौंगडा मोस्तियों को दिया जाए। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।